नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तो अभी आज का जो सूत्र है वो भी जो सूत्र है से मुझे चालू करना पड़े। ये आज का जो सूत्र है वो भी डिपेंडेंट ओरिजिनेशन से संबंधित है, मगर इसके अंदर थोड़ा अलग तरीके से बताया गया है सारा। तो ये जो चार्ट है आप अपने साथ में रखिए डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का, तो इसके अंदर ये चार्ट भी अभी आप रेफर कर सकते हैं। ये जो सूत्र है इसका नाम है मझिमा निकाय का 18वां सूत्र है, इसे मधुपिंडी का सूत्र नाम है द हनी बॉल सूत्र। सो ये सूत्र जरा डीप में जाता है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा आपको जितना आपको समझ में आता है उतना काफ़ी है इसके अंदर, क्योंकि अभी हमने बहुत बेसिक्स आपका डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का लिया है, तो इसके अंदर ये थोड़ा आपको एडिशनल आपको जानकारी देगा किस तरह प्रैक्टिकली ये डिपेंडेंट ओरिजिनेशन लाइफ में काम करता है, ये इसके बारे में आपको पता चलेगा। ऐसा मैंने सुना है एक समय भगवान शाक्य देश में निग्रोधावन के कपिला वस्तु में रह रहे थे। प्रातःकाल चिवर धारण करने के बाद कपिला वस्तु में गए। अपने भोजन के बाद वह दिन के ध्यान के लिए वन में गए और दिन के ध्यान के लिए एक बिल्वा पेड़ की जड़ पर बैठ गए। दंड पानी शाक्य, कभी बुद्ध को भी क्या बोलते हैं, शाक्य मुनि। तो ये जो दंड पानी था ये भी बुद्ध के वंश में ही था और बुद्ध से कुछ रिलेटेड था, मगर जब बुद्ध जब यहाँ पे आए तो कुछ लोग उनको बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया था और कुछ लोगों ने उनको वेलकम नहीं किया था, तो ये उन लोगों में से था, बहुत ही घमंडी आदमी था। तो इसके बारे में अभी किस तरह से वो व्यवहार करता है उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। चलते और व्यायाम के लिए भटकते हुए वन के पास आया और वह बिल्वा पेड़ के पास गया जहाँ भगवान थे और उनके साथ अभिवादन का आदान प्रदान किया। जब ये विनम्र और मिलनसार बात समाप्त हुई तो वह अपनी छड़ी पर झुक कर एक तरफ खड़ा हो गया और भगवान से पूछा। अभी ये जो छड़ी पर झुक के खड़ा होना मीन्स वो अभी अपने पास में एक डंडा रखता था, इसलिए डंडा पानी का उसका नाम था। तो वो डंडा इसलिए रखता था कि वो एक वहाँ का जो अभी भी आप देखेंगे हरियाणा में जो सरपंच रहता है वही डंडा लेके जाता है, तो वो एक सिंबल है ऑफ अथॉरिटी। तो उसने वो नॉर्मली क्या होता है, बैठ जाते हैं अगर बुद्ध को कोई पूछेगा तो खड़ा होके पूछते नहीं हैं, बैठ जाते हैं, मीन्स उसका जो बुद्ध जैसे आसन है उससे नीचे बैठना वो विनम्रता या जो भी आप शिष्टाचार जो बोलते हैं वो उसमें माना जाता है। मगर उसने क्या किया, वो डंडे के अंदर झुक के खड़ा रहा, वो खड़ा भी नहीं रहा, मीन्स वो डंडे पे झुक के खड़ा रहा, मीन्स वो ज़्यादा उनको ये नहीं दिया, मीन्स जो रिस्पेक्ट चाहिए था बुद्ध को वो नहीं दिया। सो उसने पूछा तपस्वी, और तपस्वी का क्यों पूछा, क्योंकि कोई भी वहाँ पे जो तपस्या करता है या जो ये लेता है संन्यास लेता है उसको उसके हिसाब से उन्होंने इनको ये संबोधित किया। तपस्वी क्या दावा करता है, क्या घोषणा करता है, तो उसने पूछा कि आप का टीचिंग क्या है, आपका धर्म क्या है, उस तरह से उसने पूछा। सो बुद्ध कहते हैं मित्र मैं ऐसी शिक्षा का दावा और घोषणा करता हूँ कि कोई दुनिया में किसी से किसी के साथ उसके देवताओं उसके मारा और उसके ब्रह्म
उसके वैरागी या जो तपस्वी हैं और ब्राह्मणों उसके राजकुमारों और उसके लोगों के साथ झगड़ा नहीं करता है। तो बुद्ध ऐसा शिक्षा सिखाते हैं कि ये शिक्षा से किसी के साथ में झगड़ा नहीं हो करते हैं। इस तरह से बुद्ध ने उनसे पूछा। एक एक कारण क्या है कि जो हम सिखाते हैं वो आपके खुद के अंतर में देख के आपको समझना है, ये बाही किसी से झगड़ा नहीं है। तो इसी हिसाब से बुद्ध ने कहा कि किसी के साथ में हम झगड़ा नहीं करते। और फिर जब वो दंडपाणि आया था, उसने जिस तरह से पूछा और व्यवहार किया, तो बुद्ध समझ गए कि ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट या डिबेट करने आया है। तो बुद्ध जो है आर्ग्यूमेंट या डिबेट में मानते नहीं हैं। अगर ये सत्य है तो आप ये ट्राई करो और आपको फ़ायदा होगा तो आप इस्तेमाल करो, अगर नहीं होगा तो फिर आप दूसरा कुछ ट्राई करो, ये बुद्ध का कहना है। इसलिए वो कहते हैं कि ये किसी से झगड़ा नहीं करते हैं। ऐसा शिक्षा नहीं करते हैं। ऐसी शिक्षा की धारणा अब उस ब्राह्मण का आधार, अभी यहाँ पे ब्राह्मण का जो बताया गया है, बुद्ध जो है अरहंत को अलग अलग नाम, जैसे मैंने कहा नागा भी अरहंत को बोलते थे नागा, तो यहाँ पे भी अगर ये ब्राह्मण बोल रहे हैं तो ये अरहंत को चिन्हित कर रहे हैं कि एक ऐसा अरहंत। तो यहाँ पे ब्राह्मण का नाम इस्तेमाल किया गया है, मगर बुद्ध कहते हैं कि सही में जो ब्राह्मण है उसके राग द्वेष और मोह नहीं रहता। और ऐसा कौन सा आदमी है जो राग द्वेष मोह नहीं रखता, वो है अरहंत। तो इस हिसाब से इन्होंने ऐसा कहा का आधार नहीं है जो कामुक सुखों से अलग बिना किसी चिंता के उलझने से मुक्त किसी भी तरह की लालसा से मुक्त रहता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कहीं पे भी चिपकाव नहीं रहता है। तो ऐसा व्यक्ति कौन रहता है, एक अरहंत रहता है। यहाँ यह सुनकर शाक्य दंडपाणि ने सिर हिलाया, ऐसे ऐसे जीभ हिलाई, ऐसा उसने बोला, और अपने भौरे उठाई और चल दिया। तो उसको पता चला अभी यहाँ पे मेरा दाल गलने वाली नहीं है, मेरे यहाँ पे झगड़ा मैं जो करने आया था वो होगा नहीं, तो वो फिर चले गए आगे। शाम को भगवान ध्यान से उठे और निग्रोधा के उद्यान में गए, जहाँ वह एक आसन पर बैठ गए और भिक्षुओं को बताया कि क्या हुआ था। तब एक भिक्षु ने भगवान से पूछा, लेकिन आदरणीय बनते वह कौन सी शिक्षा है जिससे भगवान कहते हैं कि कोई दुनिया में किसी के साथ झगड़ा नहीं करता है, और आदरणीय बनते यह कैसे है कि धारणाएं अब उस ब्राह्मण का आधार नहीं है। धारणाएं का क्या मतलब है, परसेप्शंस जैसे बोला है, जो भी आप जो जैसे हमने बताया था कि जब आपका स्पर्श होता है, ओके, आँख है, कोई चीज़ है और आँख का विज्ञान है, वो तीनों का स्पर्श होता है, तो स्पर्श होता है तो वेदना होती है, जब वेदना होती है तब वहाँ पे परसेप्शन रहता है या आपका धारणाएं रहती है। तो ये धारणाएं का जो ये है हैबिट का पैटर्न है, जब वो हैबिट का पैटर्न रहता है तब आपको ये अच्छा लगता है या बुरा लगता है, ये तभी तृष्णा होता है। जब एक अरहंत होता है तो उसको धारणाएं अब उस ब्राह्मण का आधार नहीं है, ओके, जो कामुक सुखों से अलग बिना किसी चिंता के उलझन से मुक्त किसी भी तरह की लालसा से मुक्त रहता है। सो एक अरहंत रहता है तो तब जब कोई चीज़ का स्पर्श होता है, वेदना होती है, तो उनका जो मन है उसको चिपकता भी नहीं है और इससे घृणा भी नहीं करता, चिपकाव भी नहीं है, घृणा भी नहीं है, इसीलिए हिसाब से ये सारी चीज़ें उनको कोई डर नहीं रहता है और उसको कोई ये नहीं रहता है, कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो बनते बताए थे मूल कारण ये है, भिक्षु एक आदमी पर बहुत सारे चिपकाव विचार और धारणाएं के हमले होते हैं, अगर इसमें आनंद लेने, स्वागत करने,
पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या होता है, मीन्स आपका कोई विचार आता है, उसके अंदर आप आनंद लेते हैं या फिर क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, ये मुझे चाहिए, और या पकड़ते हैं उस आदत को, बोलते हैं अरे मेरे को पुरानी याद आई तो मैं ये पकड़ा, मेरा ऐसा हुआ था, बहुत इंसिडेंट हो गया था, मुझे याद आया तो मैं उसके बारे में सोचने लगा, अरे ये अच्छी कोई चीज़ हुई थी वो मुझे याद आई तो मैं सोचने लगा, या फ्यूचर के अंदर ये होगा उसके बारे में सोचने लगा। तो सारे सोचों का जो जब अगर उसमें आनंद लेने, स्वागत करने, पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं रहता है, तो यह अपने आप में लगाव की प्रवृत्ति का अंत है, यह विरोध की प्रवृत्ति का अंत है। क्योंकि विरोध का भी वही चीज़ है, जब कोई चीज़ आती है आपको उसको क्या करते हैं, आपको मुझे पसंद है बोलते हैं या मुझे नहीं पसंद है, तो विरोध भी वहीं से चालू होता है। यहाँ अपने आप में विचारों की प्रवृत्ति का अंत है। तो ये विचारें भी कैसे आती है, एक के बाद दूसरे विचारें हमने उसके बारे में बताया है, ये अपने आप में उलझने की प्रकृति का अंत है, तो आदमी उलझता भी नहीं है। ये अपने आप में अभिमान की प्रवृत्ति का अंत है। अभिमान भी क्या होता है, एक ईगो रहता है, एक अपने अंदर अभिमान रहता है, तो ये अभिमान भी क्या है, एक विचारों से पैदा होता है अभिमान। जब वो कोई अभिमान कोई चीज़ पकड़ता ही नहीं है तो अभिमान भी वो नहीं करता है। यह अपने आप में सभी प्रवृत्ति बनने के अवस्थाओं का अंत है। तो सारे प्रवृत्ति का बनने का अवस्थाओं का अंत है। यह स्वयं अज्ञान की प्रवृत्ति का अंत है, क्योंकि आप हर चीज़ ज्ञान से देखते हैं तो अज्ञानता यहाँ पे नहीं रहती है। जो अज्ञान की प्रवृत्ति का अंत का मतलब क्या होता है, फिर से अरहंत होता है। जब अरहंत जब होता है तब उसके पास में कोई भी जात का अज्ञान नहीं था। अगर वो समझो अनागामी भी है तो उसके अंदर थोड़ी अज्ञानता रहती है। और इस तरह कहा जाता है कि एक भिक्खु को पूछा गया कि आप अनागामी है, तो कुछ ने पूछा, दूसरे भिक्खुओं ने पूछा कि क्या है इसके अंदर फ़र्क, अरहंत और अनागामी में क्या फ़र्क है। तो उसने इस तरह से बताया कि अगर एक कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा लिए और उसको आपने जो है मिट्टी में डाल के उसको ख़राब कर दिया, उसके बाद में उसको बहुत अच्छी तरह से धोते हैं, अच्छी तरह से धोते हैं, उसको साफ़ करते हैं, बार बार पीट के अच्छी तरह से साफ़ करते, जितना साफ़ हो सके उतना, मगर वो जो कपड़ा है और आपका नया कपड़ा है उसको साथ में रखेंगे तो थोड़ा इसके अंदर अंतर रहेगा वो सफ़ेद कपड़े में, तो उतना अंतर एक अरहंत और एक अनागामी में है। तो थोड़ा तो अविद्या वहाँ पर भी मौजूद रहती है। और ये जो वो उसने एक दो तरीके से समझाया था उस सुत्ता में, तो वो समझाने पे ही उसका वो जो है अरहंत हो गए, क्योंकि जब वो समझा रहे थे ये सिचुएशन, तभी उनका समझ में आया कि मैं कहाँ पे चिपकाव है मेरा, और उसने वो चिपकाव छोड़ दिया और वो अरहंत हो गया। तो कभी कभी ये चीज़ों के बारे में आप ध्यान से सोचेंगे तो उसके अंदर आपको और समझ में आएगा। मगर ये सारी चीज़ें अपने अंतर में होने वाली चीज़ें के अंदर ही आप इसके पर आप अपना ध्यान डाल सकते हैं। स्वयं ज्ञान की प्रवृत्ति का अंत है। यह स्वयं छड़ी लेने का, शस्त्र लेने का, झगड़ा करने का, विवाद करने का, तकरार करने का, आरोप लगाने का, बदनामी करने का, झूठ बोलने का अंत है। इस तरह इन दुष्ट अकुशल स्थितियों को बिना शोक बचे, शेष बचे, रोक दिया जाता है। तो जब बिना शेष का जो बात है, बिना शेष का मतलब है कि ये जो है इसकी जो प्रवृत्तियां हैं, जो हैबिट्स हैं, जो आदतें हैं, ये अभी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। तो जब ये पूरी तरह से ख़त्म होता है तो भी ये अरहंत का एक चिन्ह है, जब वो सारी जो उसकी आदतें हैं पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं, रोक दिया जाता है। इस प्रकार प्रभु ने कहा, यह कहकर बुद्ध अपने आसन को छोड़कर एक निवास स्थान में प्रवेश कर गए, मीन्स वो आराम के लिए गए। बुद्ध को अगर आपने सवाल नहीं पूछा तो फिर वो समझ सकते हैं कि आपने समझ लिया और फिर वो आगे चले जाते हैं। मीन्स अगर आप सवाल पूछते हैं तो फिर वो ये एलाबरेट करते हैं।
भगवान के जाने के तुरंत बाद भिक्खुओं ने विचार किया, अब भगवान ने संक्षेप में उत्तर यहाँ बताया है, मीन्स शॉर्ट में बताया है, विस्तृत में बताया नहीं, मीन्स उन्होंने एक्सप्लेन पूरी तरह से नहीं किया। अब इसे विस्तार से कौन समझाएगा? तब उन्होंने सोचा कि आदरणीय महाकच्चायन की गुरु द्वारा प्रशंसा की जाती है और पवित्र जीवन में उनके बुद्धिमान साथियों द्वारा सम्मानित किया जाता है। वह विस्तृत अर्थ को समझने में सक्षम है। मान लीजिए कि हम उसके पास गए और उससे इसका अर्थ पूछा, तो वो बोलते हैं कि अभी बुद्ध अभी तो आराम कर रहे हैं, तो उनको अभी हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो हम महाकच्चायन को पूछेंगे जो बहुत ही समझदार है। और बुद्ध ने कहा कि जो धम्म के बारे में जो विश्लेषण करना है वो सबसे अच्छा वो करते हैं। जब वो वहाँ पे पहुँचे भिक्खुओं ने, तब उनको पहले तो उन्होंने डांटा कि जब भगवान है और वो देखते हैं और समझते हैं और वो ही आपको धम्म देते हैं, उनके पास रह के आपने उनको नहीं पूछा और आप तुम मुझे पूछने आ रहे हो। जैसे कोई लकड़ा फर्नीचर के लिए लकड़ा ढूंढने जाता है, उसको हार्ड वुड बोलते हैं, मीन्स जो मेन लकड़ा रहता है। अगर वो तुम जंगल में जाते हो और वो जो झाड़ है उसका बड़ा झाड़ है उसको वो तने को छोड़ देते हो और फिर ऊपर जाते हो उसके ये ब्रांचेस को छोड़ देते हो और पत्तों में तुम ये अपना लकड़ा ढूंढते हो, उस तरह से तुम मेरे पास आए हो, तो ये बहुत बेवकूफ़ी की बात तुम कर रहे हो। तो उन्होंने फिर भिक्खुओं ने उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, तो उन्होंने बोला मैं अभी समझाता हूँ और उस तरह से तुम समझो। फिर सुनो आवसो, आवसो क्यों कहते, तब जब मित्रों बोलते हैं, या वो जब बुद्ध थे जीवित तब सब भिक्खु एक दूसरे को मित्र करके बुलाते थे, मगर जब बुद्ध परिनिर्वाण सूत्र के अंदर बुद्ध ने कहा कि अभी जो अगर छोटा रहेगा तो उसको आवसो करके बुलाएंगे, मगर अगर बड़ा रहेगा तो बंते करके बुलाएंगे, तो उस तरह से उन्होंने बाद में ये रूल किया। और जो मैं कहूँगा उस पर अच्छी तरह से ध्यान करो। मैं इसका विस्तार अर्थ इस प्रकार समझता हूँ, आँख और रूप पर निर्भर, तो फिर से अभी ये यहाँ पे डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का आ रहा है, आँख और रूप पर निर्भर नेत्र चेतना उत्पत्र होती है, तीनों का मिलन संपर्क है, संपर्क पर निर्भर वेदना उत्पत्र होती है, जो वेदना महसूस करते हैं वह अनुभव करते हैं। तो क्या है कि वेदना होती है, जो वेदना आप महसूस करते हैं उसका अनुभव होता है आपको, और इसके बारे में सोचता है। तो अभी क्या होगा, ये अभी का स्टेज क्या है, सोचने का स्टेज क्या है, चिपकाव का स्टेज है, आफ्टर तन्हा क्या है, उपादान, तो उपादान का कोई क्या सोचता है वह मानसिक रूप से विकसित करता है। तो इसका पाली में बताया गया है प्रपंच संज्ञा संखारा, मीन्स अगर कोई चीज़ अगर आप सोचते हैं तो उसको मानसिक रूप से आप उसको ये करते हैं, विकसित करते हैं। तो इसका विकसित करना क्या हुआ, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपका जो मानसिक परिस्थितियाँ हैं एक वो विचारों का गुच्छा है, तो अगर आपने अच्छा अच्छा सोचा तो आपका मन क्या होगा, अच्छा हो जाएगा। अगर आपने बुरा बुरा सोचा तो आपका मन क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, डिप्रेस में चले जाएगा। आप नेगेटिव सोचते हैं तो फिर वो क्या होगा, आप बोलेंगे मैं डिप्रेशन में हूँ। तो ये जो आप बार बार जो चीज़ सोचते हैं उस तरह से आपका ये प्रभाव हो जाता है। पहले हमने सुत्ता में भी बताया था, बुद्ध ने कहा था कि जो आप बार बार सोचते हैं वो ही आपका झुकाव होता है। तो यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि आपका मन का जो वह मानसिक जो है, आप जो बार बार उसे सोचते हैं वो आपका विकसित करते हैं।
तो उसका क्या होता है, प्रपंच सन्य संकार। तो यहाँ पे शब्द आता है प्रपंच। प्रपंच का मतलब आप यहाँ पे समझते हैं, कुछ कुछ लोग इस तरह बताते हैं, संसार के हिसाब से बताते हैं प्रपंच। तो ये संसार का जो उद्घाटन है, मीन्स जो शुरुआत है, वो क्या कैसे होता है, ये सोचने से होता है। तो ये जो आपका प्रपंच है, जो आपका ये पूरा संसार है, वो क्या है, ये आपका शरीर से लेके आपका पैर तक, वही आपका संसार है। बाकी का कोई चीज़ जो आपको इफेक्ट करती है, तो सारी चीज़ें आपका ही इफेक्ट करती है ना। तो आपका जो संसार है वो आप ही हैं। तो आपका जो संसार का शुरुआत होती है आपके सोचने से होती है। तो जैसे जैसे आप सोचते हैं वो आप संसार बनाते हैं, उसको बोलते हैं मेंटल पोलिफिरेशन। मीन्स आप जो सोचने का जो गति में जो आप सोचते रहते हैं, उससे ही आपका संसार बनता है। तो जो भी आपका मन का जो हालत है वो आपके सोचने पे निर्भर है। अनुभूति और धारणाओं मानसिक प्रसार के स्रोत के रूप में विकसित होते हैं। मीन्स जो आप अनुभव करते हैं, जो आप उसको देखते हैं, धारणाएं देखते हैं, उससे आपका मन का ये होता है, प्रसार होता है। तो एक जगह पे इस तरह से कहा गया है, जैसे एक फोड़ा रहता है, अगर ये फोड़ा पक जाता है तो फिर क्या होता है, उसके अंदर से पस निकलता है। वो पस का जो इस तरह होता है, उस तरह आपका मन मानसिक भी ऐसा है। आपके सोचते हैं, फिर सोचते रहते हैं, फिर उससे अंदर सोच के सोच निकलते रहते हैं। मीन्स सोच का स्रोत ही वो चीज़ है कि उस तरह से मानसिक प्रसार होता है के रूप में विकसित होते हैं। आँखें के आधार के एक व्यक्ति को, आँख के आधार पे एक व्यक्ति को अतीत, भविष्य और वर्तमान घेर लेते लिया जाता है। तो अभी क्या होता है कि अभी क्या आपने सोचना चालू किया, तो आपका अतीत है, वर्तमान है, और अभी का जो मीन्स भविष्य है, अतीत है, भविष्य है, वर्तमान है, सारी चीज़ों का आपको घेर लेते हैं। तो आँख के हिसाब से आप यहाँ पे देखा गया है। फिर आपका कान के अंदर भी है, जो सुनते हैं तो आप उसे विचार होता है, उस तरह से ही आपका होता है। जो आप देखते हैं, फिर सुनते हैं, फिर सूंघते हैं, जो आप टेस्ट करते हैं, जो आप टच करते हैं, जो आप सोचते हैं, मन रहता है और मानसिक ये रहता है। तो सारी जगह पे क्या होता है कि हर एक चीज़ का शुरुआत क्या होता है कि आपका जो किसी के ऊपर चिपकाव होना। अगर आपको अच्छे कपड़े पहनने की शौक है और आपका अच्छा कपड़ा जो है उसको दाग लग जाता है, तो आपके मन में कितना पीड़ा होती है, क्योंकि आपका चिपकाव था उस कपड़े के ऊपर। अगर समझो आपने काम करने का कपड़ा पहना और उसके अंदर कोई आपको दाग लग गया, तो आप उसको सोचेंगे भी नहीं है, यानी काम करने के लिए ही कपड़ा है तो उसके सोचेंगे भी नहीं। अगर पेंटिंग करने हैं तो वो लोग पेंटर अपने लिए अलग से कपड़ा लेके आते हैं ना, उसके अंदर दाग पड़ता है तो सोचते हैं नहीं, मगर वही दाग उसके समझो अच्छे कपड़े पे एक ड्रॉप पेंट कर गया तो उसको कितना दुख होगा। तो उसी तरह से कहीं पे भी आप चिपकाव पैदा करते हैं, अपने आँखों से चिपकाव पैदा करते हैं, अपने कानों से चिपकाव पैदा, सुगंध से चिपकाव। बहुत लोगों को इतना सुगंध का ये रहता है कि वो लोगों के पास में पूरा शेल्फ शेल्फ एसेंट और उसके भरे हुए रहते हैं। किसी लोगों का स्वाद का इतना शौक रहता है कि वो पूरा दुनिया घूमते हैं स्वाद के लिए। एक जगह पे मैं एक रेस्टोरेंट पे गया था, वो एक कपल का रेस्टोरेंट था, उसके अंदर उन्होंने पूरा दुनिया घूम के उनके जो रेसिपीज उन लोगों ने ढूंढ के लेके आए थे। उन लोगों ने वहाँ पे लिखा हुआ था कि उनको खाने का शौक था, तो हर एक देश में जाके वहाँ पे उन लोगों ने खा के आए। तो उसका सिर्फ एक शौक के लिए वो पूरा दुनिया वो लोग घूमे। तो अगर किसी का टच का शौक है तो कुछ लोग सिल्क के कपड़े ही पहनते हैं, कुछ लोग कॉटन के कपड़े ही पहनते हैं, कुछ लोग यही इस तरह रहेगा तो ही आप ये कपड़े पहनेंगे। और सोच का भी, तो हर एक चीज़ का जो आप जहाँ पे चिपकाव पैदा करोगे वहाँ पे आपका जो है सारा जो संसार का जो वहाँ पे शुरुआत वहीं से होती है। तो जैसे आप चिपकाव पैदा करोगे, उसको आपको आमंत्रण करोगे, उसको अच्छा करोगे, अच्छा बोलोगे, तो तभी वहाँ पे से शुरुआत उसकी सारी हो जाती है।
तो ये अभी कहते हैं किस तरह इसका अंत होता है। जब आंख एक रूप और नेत्र चेतना नहीं होती है तो संपर्क का अभिव्यक्ति को इंगित करना संभव है, असंभव है, सॉरी, ये जब असंभव है। फिर से मैं कहता हूँ, लेकिन जब कोई आँख कोई रूप नहीं और कोई आँख चेतना नहीं है तो संपर्क की अभिव्यक्ति को इंगित करना असंभव है। जब संपर्क की कोई अभिव्यक्ति नहीं होती है तो वेदना की अभिव्यक्ति को इंगित करना असंभव है। जब वहाँ दृष्टिकोण की कोई अभिव्यक्ति नहीं, धारणा की अभिव्यक्ति को इंगित करना संभव करना असंभव है। तो इस तरह से क्या बोलते हैं, एक के बाद एक जो चीज़ें आपकी हो रही है उसको अगर कहीं पे भी ये नहीं रहेगा कोई पार्ट तो दूसरा पार्ट को आप बताना असंभव है। तो क्या ये इस पार्ट में क्या होता है, 6R का आता है जो, या सही प्रयास हम बोलते हैं। तो सही प्रयास का यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है, कोई चीज़ को नहीं रहने। जैसे आपका विचार हुआ, विचार के समय आपने उसको छोड़ दिया, रिलैक्स किया, स्माइल किया, वापस अपने कार्य पे लग गए, तो फिर ये विचारों का बढ़ना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। अगर आपको ऐसा हुआ कि आपका आपको पता चला कि मेरा मन अभी बह जा रहा है, हिल रहा है, यहाँ से उधर जा रहा है, और आपने उसको पहचान रिलैक्स किया, तो विचार आना संभव है, नहीं संभव है। अगर आपका तृष्णा के समय ही आपने वहाँ पर रिलैक्स कर दिया तो किसी चीज़ पर चिपकाव होना संभव है, नहीं संभव है। तो उस तरह से आप शिक्षार का इस्तेमाल करके हर चीज़ जो आने वाली है उसको आप जाने दे सकते हैं। और इस तरह जिस तरह आपका समता सुधरेगा उस तरह आपका विकास होगा। तो आपका बातचीत करने का भी इसी के अंदर ही आ जाता है कि जब आप बात करते हैं, तो जैसे कल भी मैंने बताया था, जब आप बात करते हैं तो क्या होता है, आप अपने मन के अंदर एक बात डालते हैं तो उसका एक से दूसरा बात होता है, दूसरा से तीसरा होता है, तीसरे से चौथा होता है। तो ये सारा संसार का जो शुरुआत है वही सब विचारों से है। और जब बातें करते हैं तो विचारों को आप खाद देते हैं, पानी देते हैं और उसको जमीन देते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, वहाँ पर आपका जो विचारों का पेड़ उगेगा। फिर आप आके वहाँ पर बैठेंगे तो फिर क्या होगा, वो विचार आपका मन पहले से ये है तो आप बैठ नहीं सकेंगे ज़्यादा, फिर से आपको भागना पड़ेगा। तो उस तरह से अगर आप ये समझेंगे नहीं कि कहाँ पे आप इसके अंदर ऊर्जा डाल रहे हैं और कहाँ पे आप ऊर्जा निकाल सकते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आपको इससे आपको छुटकारा मिलता है, इस चक्र से छुटकारा किस तरह मिलता है। तो बुद्ध ने कहा कि अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर चिपकाव नहीं किया तो आपको क्या है, कोई भी चीज़ सताती नहीं है। अगर आपने आपको कोई ध्वनि आई, जैसे यहाँ पर ट्रक जाता है, उसके ऊपर आपने सुना नहीं तो उसको वो सताएगा नहीं। अगर आपको कोई यहाँ पर गंध आता है तो उसको आप सुनते नहीं तो उसको आप छोड़ देंगे तो उसको आपको कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सो इस तरह से महाकाचार्य ने वो समझाया और उन्होंने कहा कि ये जो है मैं समझता हूँ, आप भगवान बुद्ध को पूछो। तो उन्होंने गए और भगवान बुद्ध को पूछा कि ये इस तरह से महाकाचार्य ने बताया है हम लोगों को। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि महाकाचार्य बहुत ही कुशल है और वो जो समझाया है वो उसी तरह से मैं उसको समझाता हूँ। भिक्षु पंडित है महाकाचायन, महाप्रज्ञा है यह भिक्षु, तुमने मुझे इस अर्थ को पूछा होता तो मैं भी वैसे ही इसका व्याख्या करता जैसे कि महाकाचायन ने इसका अर्थ व्याख्यान किया, यही इसका अर्थ है, ऐसे ही इसे धारण करें। तो इस तरह से कहते हैं। फिर उसके बाद में जब ये कहा गया तो आदरणीय आनंद ने बुद्ध से कहा, बंते जैसे भूख और कमजोरी से थके हुए व्यक्ति शहद की लड्डू पर आते हैं
उसे खाने के दौरान उन्हें एक मीठा स्वादिष्ट स्वाद मिलेगा। इस तरह कोई भी समझ दिमाग वाला भिक्खु, मीन समझता हो दिमाग वाला भिक्खु हो, ज्ञान के साथ धम्म पर इसका प्रवचन के साथ अर्थ की जांच करने के दौरान उन्हें संतुष्टि और मन का विश्वास मिलेगा। आदरणीय महोदय, धम्मोपदेश या सुत्ता का नाम क्या है? बुद्ध आनंद, आप इस सुत्तक को मधु का लड्डू, मधुपिंडिका के रूप में याद कर सकते हैं। आदरणीय आनंद धन्य के शब्दों से संतुष्ट और प्रसन्न थे। तो अभी ये जैसे कोई आदमी समझो बहुत दूर से आया है और बहुत थका है, प्यासा है, अगर उसको अगर एक मध हनी का एक ये लड्डू दिया जाए और वो कहीं से भी खाएगा उसको स्वाद आएगा। तो ये सुत्ता इस तरह से है कि कहीं से भी आप इसका जांच करेंगे, इसके अंदर आपको ज्ञान से आप देखेंगे तो इसका आपको अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये सुत्ता में सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छी तरह से बताई गई हैं कि किस तरह से आपका जो विचार है, आपका जो ये सारे चीज़ों का जो संसार का या प्रपंच का जो शुरुआत होती है किस तरह होती है और कहाँ पे आप इसके अंदर आप ये कर सकते हैं, आपका जो योगदान है या आपका मन जहाँ से आपको हटाना है या किस तरह से कोई भी चिपकाव रहता है तो आपका जो जहाँ पे अगर आप कोई भी चिपकाव करेंगे तो वहाँ पे ही आपका दुखों का शुरुआत होता है और वो सारा जो संसार आप जन्मों जन्मों से जो चल रहा है, ये जो चक्र चल रहा है उसका अंत नहीं होता क्योंकि आप उसका सही से प्रक्रिया नहीं समझते। तो हम यहाँ पे आपको जो सिखा रहे हैं प्रक्रिया सिखा रहे हैं, आपका मन किस तरह से काम कर रहा है, अगर आप वो समझते हैं तो उससे आप पार हो सकते हैं। तो अभी ये हम यहाँ पे सुत्ता अंत करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। साधु साधु।